रैविशिंग बॉम्बशेल। रानी मुखर्जी अपने करियर की शुरुआत से ही क्वीन ऑफ रोमांस रही हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि रोमांटिक फिल्मों सुरीले ड्यूएट्स गाने में माहिर रानी मुखर्जी एक दिन मेथड एक्टिंग की वो स्टनिंग मिसाल बनेगी जिसे सारी दुनिया सलाम करेगी। फिल्म ब्लैक में अपने डेफ म्यूट और ब्लाइंड कैरेक्टर को प्ले करने के लिए रानी हैड टू वर्क रियली 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 हार्ड। फिल्म टू हैव सक्सीडेड डिस्पाइट द सब्जेक्ट means that there was something very special in it. In fact, पहले तो जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने उन्हें वो रोल ऑफर किया था, रानी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उस रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगी, लेकिन डायरेक्टर को उन पर फुल ऑन भरोसा था। इस रोल के मेथोडिकल प्रेपरेशन के लिए रानी ने बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी के साथ मिलकर 7 महीनों तक साइन लैंग्वेज और ब्रेल की ट्रेनिंग ली थी। फिर फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अपनी आंखों में स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगाने पड़े थे टू गिव हर द अपीयरेंस ऑफ अ ब्लाइंड गर्ल। उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेकर अपने मैनरिज्म्स तक हर चीज को बदलना पड़ा था एंड टू मेक श्योर कि इस कैरेक्टर को निभाते वक्त अनजाने में कोई गलती ना हो जाए, उन्हें गाइड करने के लिए डेफ म्यूट और ब्लाइंड स्टूडेंट्स की एक पूरी टीम सेट्स पर हमेशा मौजूद रहती थी। रानी ने उस साल के लगभग सारे के सारे अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। वो अब अपनी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्मों से भी ज्यादा फिल्म ब्लैक में अपने अनबिलीवेबली ऑथेंटिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, और इसीलिए तो हमारे इस काउंटडाउन में रैविशिंग रानी मुखर्जी है नंबर 10 पर।